अब एक गलती जो हम अपने कैमरा के साथ करते हैं वो ये है कि भाई खुद से ही इसके सेंसर को क्लीन करने लग जाते हैं, और अगर आपका ये जो सेंसर है ये डैमेज हो जाता है या फिर इस सिचुएशन में आता है कि उसको रिप्लेस करवाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि उसका जो कॉस्ट है वो आपके कैमरा की एक्चुअल कॉस्ट की ऑलमोस्ट 50% या उससे भी ज़्यादा का आपको बढ़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे तरीके शेयर करने वाला हूँ जिनको यूज़ करके आप अपनी फ़ोटोज़ में जो डस्ट आती है या सेंसर में जो डस्ट है उसको हटा सकते हो बहुत ईजिली, और वो भी घर बैठे बैठे। तो ये जो सेंसर को क्लीन करने का प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं, और उसके लिए मेरे पास कुछ टूल्स हैं जो मैं इस बैग से निकाल लेता हूँ। इस बैग के बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करके हम अपने सेंसर को क्लीन करने वाले हैं घर बैठे बैठे। खुद से आप ये चीज़ कर सकते हो, बट एक वार्निंग मैं दे दूँ, कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपको रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कल को आपका सेंसर अगर डैमेज हो जाता है कुछ होता है, आप मुझे मेल करो या कमेंट करो कि इस वीडियो की वजह से कुछ डैमेज हुआ। बिकॉज सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, आप जहाँ पे भी अपने सेंसर को क्लीन कर रहे हो कहीं से डस्ट आने के चांसेस ना हो, विंडो ना खुली हो। तो एक ऐसे रूम में बैठना जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो, जहाँ ज़्यादा हवा ना चल रही हो, मिट्टी ना उड़ रही हो, ताकि वो आपके सेंसर को किसी तरीके से डैमेज ना कर पाए। और आउटडोर तो इसको बिल्कुल भी मत ट्राई करना, बिकॉज सनलाइट अगर डायरेक्टली सेंसर पे पड़ती है या कोई भी हार्श लाइट या यूवी रेस पड़ती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपके सेंसर को हार्म कर सकती है। जैसे मैंने बताया उसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। पर इससे पहले कि हम अपने सेंसर को क्लीन करना स्टार्ट करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसे पता लगेगा कि भाई आपके सेंसर में डस्ट है या आपका सेंसर क्लीन होने वाला है। तो सबसे पहले आपको आउटडोर लोकेशन पर आ जाना है। जैसे मैं अभी बालकनी में खड़ा हूँ अपनी, अब मैनुअल मोड पे मैंने अपना कैमरा सेट कर लिया है, ठीक है। मैनुअल मोड के बाद आपको अपना जो एपर्चर है एफ नंबर वो F22 पे डाल देना है, जो भी मैक्सिमम है 32, जो भी मैक्सिमम नंबर जाता है। उसके बाद मेरा जो ISO है उसको मैं सेट कर दूंगा 100 पे, ठीक है। तो एपर्चर ISO मेरा सेट हो गया। अब शटर स्पीड जो है उसको मैं इस हिसाब से सेट करूंगा, स्काई के ऊपर पॉइंट करना है मुझे अपने कैमरा को, और शटर स्पीड मैं इस हिसाब से लेके जाऊंगा जहां मुझे अपना स्काई एकदम वाइटिश दिखने लग जाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप जो करना है वो है लेंस को मैनुअल फोकस पे डाल लेना है, और उसके बाद उसको इन्फिनिटी पे डाल देना है, एकदम जो एंड पॉइंट है। अब ये फोटो जब आप लाइट रूम में लेके जाओगे, लाइट रूम में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाओगे स्पॉट हीलिंग टूल पे, और वहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप उसको चेक करके वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी फ़ोटो में ब्लैक के ऊपर जो वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली एक इंडिकेशन है कि वो आपकी आपके सेंसर में डस्ट पार्टिकल्स हैं। और अगर वो बहुत हार्ड स्पॉट्स हैं उसका मतलब कि वो आपके सेंसर में है, बट अगर वो बहुत ब्लरी हैं या बहुत सॉफ्ट सा आपको पॉइंट दिख रहा है उसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपके लेंस में स्पॉट है। अब सबसे पहला तरीका जो है अपने सेंसर को क्लीन करने का वो ये है कि आप इस तरीके के जो एयर ब्लोअर आते हैं ना वो यूज़ कर सकते हो। अब नॉर्मली आप अगर ऑनलाइन पे जाओगे, अमेज़ॉन आप देखोगे, आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, एक थोड़ा सस्ता वर्जन, एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव वर्जन। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला है, दिस इज़ BSGO, एक ब्रांड है उसका ये एयर ब्लोअर है, इसके बारे में बात करूँगा। बट पहले डिस्कस करते हैं कि जो एक चीपर ऑल्टरनेट है उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप लेंस क्लीन कर रहे हो या कैमरा बॉडी क्लीन कर रहे हो ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बट जैसे हम सेंसर क्लीनिंग की बात करते हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे भी आप देख लेना, जो ये आगे की टिप है ना पूरी प्लास्टिक की है, और आगे बहुत हार्ड टिप होता है, और ये क्या करता है, अगर आपके सेंसर पे टच कर देगा हल्का सा भी टच, वो परमानेंट स्क्रैच छोड़ देगा, एंड वही चीज़ आ जाएगी, आपको फिर सेंसर रिप्लेस करना पड़ेगा। और एक और चीज़, ये ब्लोअर कैसे काम करते हैं, नीचे की तरफ से हवा आती है और ऊपर से ये हवा थ्रो करता है, तो इनके बीच में ना कुछ फिल्टर नहीं होता। बट वही अगर मैं बात करूँ ये BSGO का जो एयर ब्लोअर है, सबसे पहली चीज़, इसकी जो टिप है ये पूरी फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हो, बिकॉज ये रबर टिप है, तो अगर ये टच हो भी जाती है आपके सेंसर पे तो कुछ निशान नहीं छोड़ेगा। सेकेंड बेनिफिट है, इसके अंदर इनबिल्ट एयर प्योरीफायर है, तो इस तरीके से अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला यूनिट है ना, ये एक्चुअली एक एयर फिल्टर है, तो यहाँ से जो ये एयर को सक कर रहा है और फिर ये जो एयर थ्रो कर रहा है वो एक्चुअली फिल्टर करके एयर आपके सेंसर पे जा रही है। तो अगर कुछ पार्टिकल्स भी हैं या कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं हवा में, उसको भी ये फिल्टर करके देन आपके सेंसर पे एयर ब्लो करता है। अगर आप DSLR यूज़ कर रहे हो तो आपको सेटिंग में जाके मिरर को लॉकअप करना पड़ेगा ताकि मिरर हट जाए और डायरेक्ट सेंसर दिख जाए। अगर आप मिररलेस यूज़र हो तो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट आपका सेंसर दिख जाएगा, बट जैसे मैं कैनन के कैमरा यूज़ कर रहा हूँ या R7 है, R5, R6 में भी ऑटोमेटिकली शटर डाउन आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही कैमरा ऑन करूँगा अब मेरा सेंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, इस तरीके से आप कैमरा नीचे को पॉइंट करोगे। उसका रीज़न क्या है कि जब हम इस तरीके से एयर को ब्लो करेंगे तो अब क्या होगा, जो भी डस्ट है ना वो नीचे को गिर जाएगी। अगर मैं साइड वेज या ऊपर को करके करूँगा ना तो डस्ट कैमरा के ही अंदर जाएगी या सेंसर में ही रह जाएगी, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो स्क्रैच भी और इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरीके से रख के मैं अपने ब्लोअर से
बाहर की तरफ डस्ट को फेंकूंगा और अब मेरे सेंसर पे जो डस्ट है जितना होगा माइनर डस्ट वो निकल जाएगा और ये करने के बाद मैं अपने कैमरा को ऑफ कर दूंगा। तो अब ब्लर यूज़ करने के बाद मैं अपने कैमरा में वही सेम सेटिंग रख रहा हूँ जो हमने पहले रखी थी और वही सेम फ्रेम रखने का ट्राई करके मैं एक फ़ोटो लेता हूँ और देखते हैं आपको कुछ फ़र्क आता है या नहीं। होपफुली आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा या मैं आपको एक बिफोर आफ्टर फोटो दिखा देता हूँ जो ब्लर यूज़ करने से पहले हमने क्लिक करी और ब्लर यूज़ करने के बाद एंड जो डिफरेंस है आप यहाँ पे माइनर डिफरेंस देख सकते हो। अब ऑब्वियसली ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इतना ज़्यादा साफ नहीं हुआ, क्यों? बिकॉज जो ये ब्लर है वो सिर्फ माइनर डस्ट पार्टिकल्स या बहुत हल्के पार्टिकल्स है ना उन्हें हटाएगा। अगर कुछ पानी के स्पॉट्स होंगे या कुछ ऐसी डस्ट जो बैठ चुकी है सेंसर पे वो ये ब्लोअर क्लीन नहीं कर पाए। तो जैसे आपने देखा ब्लोअर से माइनर क्लीनिंग तो हो गई बट हार्ड स्पॉट्स नहीं हटे, तो जो प्रॉपर सेंसर क्लीनिंग होती है उसके लिए ये BSGO ने मुझे कुछ लेंस क्लीनिंग किट भेजी हैं। तो ये वाला है APS-C सेंसर के लिए, क्रॉप बॉडीज के लिए, जैसे कि सोनी A6400, कैनन M50 Mark II, जो भी कैमरा बॉडीज है जिनका सेंसर क्रॉप सेंसर है, APS-C है, आप गूगल करके फाइंड कर सकते हो। उसके लिए अलग से स्वैप्स हैं एंड जो फुल फ्रेम बॉडी है उसके लिए अलग से, बिकॉज दोनों के जो हेड है ना स्वैप के वो सेंसर साइज के हिसाब से हैं ताकि आप एक बार ही इसको यूज करके क्लीन कर सको। तो इस तरीके से जब मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ सबसे पहले मुझे यहाँ पे इन टोटल 12 स्वैप्स मिलते हैं जो वैक्यूमली पैक्ड है, मतलब ये जो पैक है ना ये वैक्यूम पैक है ताकि अंदर कुछ भी डस्ट या एयर पार्टिकल्स ना आ सकें, बिकॉज जब मैं क्लीन करूंगा इसको यूज करके तो हमें डस्ट हटानी है, हमें इंट्रोड्यूस नहीं करनी। एंड इसके साथ ही साथ मुझे एक सेंसर क्लीनिंग लिक्विड मिलता है और ये जो लिक्विड है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आप खुद से कुछ जुगाड़ करके गूगल पे देख के अगर कुछ गलत लिक्विड सेंसर पे डाल दोगे तो आपका सेंसर खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये एक स्वैप को पहले ले लेता हूँ इस तरीके से। तो ये जैसे APS-C सेंसर के लिए है, मैं R7 को यूज़ कर रहा हूँ जो क्रॉप बॉडी है, तो हम इसको यूज़ करेंगे सेंसर साफ करने के लिए। ये क्लीनिंग स्वैप को ओपन कर लेता हूँ पहले, ठीक है, फिर इस तरीके से मैं यहाँ पे ये स्वैप निकाल लूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो लिक्विड है बॉटल इसको मैं निकाल लूँगा जो सेंसर क्लीनर है, ठीक है, और इसको ओपन करके हमें जो ड्रॉप्स हैं वो इसके ऊपर डालने हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं 2 से 3 ड्रॉप्स यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये अब मेरा जो स्वैप है हम यूज़ करेंगे सेंसर को क्लीन करने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना जो सेंसर है इसको कैमरा ऑन कर लूँगा ताकि मेरा सेंसर आ जाए एंड इस तरीके से मुझे अपने सेंसर के ऊपर ना इसको यूज़ करना है वाइप करने के लिए। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको जब आप प्रेस करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बहुत जेंटली प्रेस करना है ताकि अगर कुछ पार्टिकल रह जाए तो वो स्क्रैच इंट्रोड्यूस ना करे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे स्वैप को रखूँगा, ठीक है, और इस तरीके से मैं राइट की तरफ लेके जाऊंगा। अब एक बार राइट साइड ले जाने के बाद मैं इसको वापस से इस डायरेक्शन में लेके आऊंगा सो दैट अगर कुछ रह गया हो तो मैं वापस क्लीन कर सकता हूँ। फिर भी डबल चेक करने के लिए अगर आप चाहते हो आप एक बार फिर से इस तरीके से राइट ले जाके इसको वापस अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लाके क्लीन कर सकते हो। तो ये सेंसर क्लीन करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वापस अपना मिरर डाउन कर देना या कैमरा जो है उसको ऑफ कर देना ताकि ये कवर हो जाए। अब ये जो स्वैप है इसके बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, ये वन टाइम स्वैप्स हैं जो सेंसर क्लीनिंग किट में ये आता है आपको, तो ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ करके मैं वापस इसके अंदर रख दूं टेप से बंद करके फिर से यूज़ करूं, बिकॉज दिस इज़ वन टाइम यूज़। बट अगर आप इसको बार बार यूज़ करते हो और कुछ गलती से कुछ स्क्रैच आ जाता है तो आपको सेंसर डैमेज हो सकता है, तो एक बार यूज़ करने के बाद इसको डस्टबिन में फेंक देना। तो फाइनली अब हम लास्ट सिचुएशन में है जहाँ पे हमारा सेंसर प्रॉपर क्लीनिंग किट से साफ हुआ है, तो देखते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ता भी या नहीं पड़ता। मैं वही सेम सेटिंग रख के सेम फ्रेम रखूँगा स्काई की तरफ और अब एक फाइनल फोटो लेते हैं। तो यहाँ पे अगर साइड बाय साइड मैं डिफरेंस देखूँ बिफोर क्लीनिंग एंड आफ्टर क्लीनिंग तो क्लियर डिफरेंस है, पहले इतना डस्ट पार्टिकल्स था एंड क्लीन करने के बाद इट इज़ ऑलमोस्ट गॉन। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपके सेंसर के ऊपर कुछ परमानेंट निशान है या हल्का सा भी स्क्रैच पड़ चुका है वो इस मेथड से क्लीन नहीं होगा एंड वो किसी भी मेथड से बेसिकली क्लीन नहीं हो सकते बिकॉज वो परमानेंट मार्क्स हैं। बट अगर कुछ स्पॉट्स हैं, हार्ड स्पॉट्स हैं, वो आप इस मेथड से क्लीन कर सकते हो। बट एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एंड दैट इज़ ये एक ट्रैवल किट। तो ये BSGO जिस ब्रांड की हमने क्लीनिंग किट देखी थी ये एक ट्रैवल पैक है और ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगा, बिकॉज एक तो ये पाउच है एंड इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको हेल्प कर सकती हैं। अगर आप फोटोग्राफर हो, वीडियो क्रिएटर हो, ऑन द गो आपको अपना कैमरा को साफ़ करना है, अपने सेंसर को साफ़ करना है या इवन अपने बटन्स को, अपने व्यू फाइंडर को या LCD को, बिकॉज आप शूट करते हुए काफ़ी हार्श कंडीशंस में जाते हो, कभी कहीं वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, बारिश हो रही है, मिट्टी उड़ रही है, तो उसके लिए इस
इस बॉक्स के अंदर कुछ कॉन्टेंट्स हैं दैट आई वॉन्ट टू शो यू। सबसे पहले जो मैं आपको एयर ब्लोअर दिखा रहा था वो इस पाउच के अंदर आता है एंड ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद काफ़ी यूजफुल टूल जो इस किट के अंदर है वो है ये लेंस पेन, देखने में एकदम पेन की तरह लगता है। और यहाँ पे एक एंड पे अगर मैं इसके जो इस स्लाइडर है इसको पुश करता हूँ तो इस तरीके से बैक साइड पे यहाँ पे ब्रश है और ये ब्रश इतना सॉफ्ट है कि अगर मैं डायरेक्टली इसको अपने लेंस पे भी क्लीन करने के लिए यूज़ करता हूँ ना, डस्ट पार्टिकल्स हटाने के लिए, इवन अपने लेंस की बॉडी पे या LCD पे, तो भी ये उसको हार्म नहीं करेगा बिकॉज इसके जो टिप्स हैं ब्रश के वो काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो इसको बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो जब आप ट्रैवल कर रहे हो या ऑन द गो हो या इवन घर के अंदर आपको लगता है आप शूट करके आए, आपका कैमरा गंदा हो चुका है, तो इस तरीके से मैं इसको यूज़ करके अपने लेंस को या ग्लास एलिमेंट्स को साफ कर सकता हूँ। एंड दूसरे एंड पे अगर मैं इस निप को हटाता हूँ अपने पेन के तो ये भी एक काफ़ी यूज़फुल चीज़ है बिकॉज अगर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स या हार्ड कुछ भी स्पॉट्स आपके लेंस पे रह जाते हैं LCD स्क्रीन पे या व्यू फाइंडर पे, तो मैं इस पॉइंटर को यूज़ करके, आपको ये ध्यान रखना है अगर आप स्पेशली लेंस को साफ कर रहे हो, सेंटर की तरफ से आपको ना क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाते हुए बाहर की तरफ लेके जाना है ताकि जो भी पार्टिकल्स आपके लेंस पे हैं वो हट सकें और अब जब आप फोटो लो तो जो भी स्पॉट्स आपकी फोटो में विजिबल थे, आपका लेंस गंदा था, वो इस तरीके से साफ हो सकता है। और ये क्लीनिंग क्लॉथ अगेन वैक्यूम पैक्स हैं तो इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। इसको मैं ओपन करूँगा एंड ये जो मुझे लेंस क्लीनर मिलता है ना, मुझे डायरेक्टली यूज़ नहीं करना होगा, मैं पहले इस क्लॉथ पे स्प्रे करूँगा एंड देन इवेंचुअली मैं इसको लेंस पे अप्लाई करके अपने लेंस को साफ कर सकता हूँ। एंड लास्ट में यहाँ पे है डस्ट फ्री कॉटन स्वैब। तो ये बेसिकली कॉटन स्वैब्स हैं अगर आपके बटन्स में अंदर कहीं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप इजीली इस ब्रश से भी क्लीन नहीं कर पाओगे, तो इन स्वैब्स को यूज़ करके आप माइनर या छोटी जगह जो है वहाँ पे जाके आप अपने कैमरा बॉडी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। सो दिस इज़ वन किट जो ये ग्लव्स के साथ आती है और ये लाइक डस्ट प्रूफ ग्लव्स हैं, तो अगर आप साफ कर रहे हो अपने कैमरा को तो ये डस्ट अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था इस कैमरा बैकपैक के बारे में, तो मैं एक जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ बिकॉज ये भी BSGO जिसके हमने कैमरा सेंसर क्लीनिंग किट और ट्रैवल किट देखा, उसी का ये कैमरा बैग है जो उन्होंने मुझे भेजा था साथ में जस्ट टू चेक इट आउट एंड टेस्ट। तो जल्दी से इसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ ऊपर की तरफ एक ये क्विक एक्सेस टॉप कंपार्टमेंट है, इसको जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो ये भी बेसिकली एक सिक्योरिटी फीचर है कि अगर कोई जल्दी से खोल कर कुछ चोरी करना चाहता है वो उतना ईजिली नहीं कर पाएगा कंटिन्यू अनलेस उन्हें पता है कि इसको ऐसे घुमा के ओपन करना है। पहली चीज़ तो आप ये डिज़ाइन देखोगे, दिस इज़ एक्चुअली ये लिमिटेड एडिशन, इन्होंने मुझे वेरियंट भेजा था बट इसमें और भी ऑप्शन हैं, आप नीचे लिंक में चेक कर लेना। बट द गुड थिंग इज़ इसके अंदर बेसिकली तीन मेजर कंपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले टॉप कंपार्टमेंट है जहाँ पे मैं अपना कैमरा एक्सेसरीज या इवन छोटा मोटा कैमरा बॉडी या लेंस रखना चाहता हूँ वो मैं इजीली स्टोर कर सकता हूँ। देन नीचे की साइड इसका इक्विपमेंट कंपार्टमेंट है जहाँ पे मेन मेरे कैमरा बॉडीज, मेजर लेंसेज या इवन अगर मैं ड्रोन स्टोर करना चाहता हूँ तो वो मैं इजीली रख सकता हूँ। एंड द गुड थिंग इज इसकी जो पैडिंग है वो काफ़ी थिन है एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी हार्ड, तो वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता। एंड द लास्ट कंपार्टमेंट इज लैपटॉप कंपार्टमेंट जहाँ पे मैं अपना लैपटॉप एंड इवन आईपैड भी इजीली स्टोर कर सकता हूँ। बट एक्चुअली जो मुझे दो चीज़ें काफ़ी सही लगी वो है इसका डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न, काफ़ी क्लासी है। इस तरह के कैमरा बैग्स जो अभी मेजर ब्रांड्स हैं इंडिया में वहाँ पे इतना ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। बट द सेकंड थिंग जो काफ़ी सही है सिक्योरिटी के हिसाब से, इसकी यहाँ पे ये जो जिपर्स है ना, आप देखो यहाँ पे बेसिकली लॉक बना हुआ है इसके यहाँ हैंडल्स पे, तो जैसे मैं इस तरीके से पुश करता हूँ ना तो अब मेरी जो जिपर्स हैं वो लॉक हो चुके हैं, अगर कोई चोरी करने का भी ट्राई करेगा तो वो उस जिप को ओपन करके कुछ बैग से निकाल नहीं पाएगा। एनी वन इसके जो ये लॉक्स है ना वो काफ़ी कूल एंड कुछ डिफरेंट है जो देखने को मिला। और क्विक एक्सेस के लिए यहाँ पे साइड में जिपर है जिसको ओपन करके मैं साइड से ही अपना कैमरा निकाल सकता हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा दो ऐसे तरीकों में जो आप यूज कर सकते हो अपने घर के अंदर ही सेंसर क्लीन करने के लिए। तो दैट्स इट, इनके जो लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।